अस्सलाम वालेकुम, मैं मसर फातिमा। आज आपके लिए देखिए काजू राइस बनाऊंगी। काजू राइस बनाने के लिए देखिए हमने लिया है आधा किलो चावल, जो नॉर्मल राइस है। ये हम बासमती चावल में नहीं बना रहे, नॉर्मल राइस में बना रहे हैं। आप चाहे तो ये बासमती राइस में भी बना सकते हैं। गरम मसाले में हम लिए हैं देखिए शाहजीरा, दालचीनी, इलायची, पुदीना, हरा धनिया, नमक, असली घी, काजू और प्याज को हमने ऑलरेडी तल कर रेडी रख लिया है। आइए अब हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे। ये देखिए एक बर्तन में हम 2 गिलास पानी डालेंगे, साथ में हम डालेंगे नमक। ये देखिए हम साथ में डालेंगे नमक, हरा धनिया, पुदीना, देखिए गरम मसाला। ये देखिए पानी अब अच्छे से पकने लगा है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आप इसे दम के चिकन के साथ ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए हमने इसमें सारा चावल डाल दिया है, इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसे धीमे पे दम पे रखेंगे, अच्छे से ढाप कर जो पानी और जो चावल है अच्छे से पक जाएगा। देखिए पानी इसका सूखने लगा है, चावल भी ये देखिए थोड़े गलने लगे हैं। इस तरीके से बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। नमक आप स्वादानुसार इस्तेमाल करिए। ये देखिए पानी जो है इसमें अच्छे से सूख गया है। अब हम इसे दम पे रखेंगे। ये देखिए इसमें हम डालेंगे असली घी इस तरीके से। हम इसमें असली घी डालेंगे। ये देखिए काजू राइस रेडी हो गया है। ये दम के चिकन के साथ आप ज़रूर ट्राई करिए। मैं ख़ास अपने सब्सक्राइबरों के लिए आज 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करिए आप। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए काजू राइस में हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। ये जो प्याज है हमने तल कर रेडी रखा था, वो भी हम इस तरीके से डालेंगे सारी प्याज। ये देखिए अरे जो काजू है वो भी हम इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए काजू राइस रेडी है, अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।